बादल साहब हमारे बीच में न रहने से केवल पंजाब नहीं समग्र देश की राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ति न हो ऐसी क्षति हुई। ये गड्ढा जो बादल साहब के जाने से शून्यता जो पैदा हुई है, मैं देख रहा हूं लंबे अरसे तक इसको भर पाना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो। बादल साहब के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है, देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, 70 साल का सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो, ऐसा अजात शत्रु जैसा जीवन बादल साहब के बिना कोई नहीं जी सकता, ये मेरे मन से मैं मानता हूं। मैं अनेक बार बादल साहब को मिला हूं, जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया, जब भी मिला चेतना प्राप्त कर गया। इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया, दल तो हमारे दो अलग थे परंतु हमेशा उन्होंने वो ही कहा जो मेरे दल के लिए भी सही था। इतनी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक जीवन में सलाह देना ये महामानव के सिवा कोई नहीं कर सकता। पंजाब के लगातार विधानसभा में रहने वाले सदस्य, सबसे ज्यादा रहने वाले सदस्य बादल साहब रहे, सबसे ज्यादा चुनावी राजनीति में भारत में जनप्रतिनिधि रहने का रिकॉर्ड भी बादल साहब का है। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने और मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं नए पंजाब की नींव डालने का काम श्री प्रकाश सिंह बादल ने किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल के जाने के साथ ही भाईचारे का सरदार चला गया, पूरा जीवन हिंदू सिख एकता के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। राजनीति में कई विरोध झेलने के बावजूद सबको एकजुट रखने के लिए बादल साहब हमेशा प्रयासशील रहे। अभी सरदार सुखबीर जी बता रहे थे बादल गांव में मंदिर भी बादल साहब का बनाया हुआ है, मस्जिद भी बादल साहब की बनाई हुई है और गुरुद्वारा भी बादल साहब का बनाया हुआ है। साच अर्थ में ऐसे व्यक्ति को दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो देश के राजनीतिक जीवन में सामाजिक जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएगा। 1970 से लेकर आज तक जब भी देश के लिए खड़ा होने का मौका आया बादल साहब ने कभी पीठ नहीं दिखाई। सार्वजनिक जीवन में सबसे लंबा समय जेल के अंदर रहकर सिद्धांतों के लिए पंथ के लिए संघर्ष करने वाला कोई व्यक्ति था तो सरदार प्रकाश सिंह बादल थे। इमरजेंसी की बात हो, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था मगर मेरे पार्टी के बड़ों से मैंने सुना अकाल प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में चट्टान की तरह इमरजेंसी के खिलाफ खड़े रहे लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो या आतंकवाद की परछाई हो, हर जगह पे बादल साहब ने आसमान जितने ऊंचे व्यक्तित्व को ढाल की तरह देश के हितों के साथ खड़ा पाया। बादल साहब का जाना समूचे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, सिर्फ सरदार सुखबीर और बीबी हरसिमरत जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए क्षति है और मेरे जैसे सार्वजनिक जीवन के कई कार्यकर्ताओं के लिए भी ये अपूर्णीय क्षति है। आज दशम गुरु के चरणों में मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बादल साहब के जीवन से हम सब प्रेरणा लें और उन्होंने जिस रास्ते पर चलने की सीख दी थी उस रास्ते पर चलने की वाहेगुरु हम सबको शक्ति दे। सुभाई सुखबीर बादल और बीबी हरसिमरत बहन को मैं इस अपूर्णीय क्षति के लिए मन पूर्वक दुख व्यक्त करता हूं और बादल साहब के सारे अनुयायियों के लिए भी मेरे मन में जो भाव है इसको व्यक्त करने के लिए मैं आया हूं। अंत में बादल साहब को
मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और समग्र देश की ओर से, भारत सरकार की ओर से श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।